हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी पी के स्टाइल। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी फ़ोटो में ऑरेंज टून या सनसाइन टाइप फ़ोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, लाइट रूम एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी एंड मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि कैसे आप अपनी फ़ोटो में ऑरेंज टून डालें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने ये फ़ोटो कैसे क्लिक की। अच्छा तो मैंने अपने मोबाइल लाइट रूम ऐप ओपन कर ली है एंड यहाँ पर मैंने अपनी ये वाली फोटो सेलेक्ट कर ली है एंड ये मैंने करीबन 4 से 5 बजे के टाइम क्लिक की थी एंड अब मैं इसको रिटचिंग करके दिखाऊंगा कि आप कैसे इसमें लाइट टून डाल सकते हैं ऑरेंज। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बेसिक्स एडिटिंग में एंड यहाँ से हम इसकी लाइट्स को मैनेज करेंगे। लाइट्स में हम क्या करेंगे, इसका एक्सपोजर है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे क्योंकि हमारी फ़ोटो थोड़ी डार्क है, इसलिए इसके एक्सपोजर को थोड़ा बढ़ा देंगे एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड इसका जो हाईलाइट है इसको कम कर देंगे जिससे हमारी जो ज़्यादा वाइट पार्ट है वो थोड़ा डार्क हो सके एंड यहाँ से इसके शेडो को बढ़ा देंगे एंड वाइट को थोड़ा कम करेंगे एंड ब्लैक को हम कम कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं लाइट्स मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छी टून आ चुकी है एंड अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। इसके लिए क्या करना है, हम कलर ग्रेडिंग पर जाएंगे एंड हमें अपनी फ़ोटो में ऑरेंज टून डालनी है, इसलिए हम इसका जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड टिंट को हम अपने हिसाब से मैनेज करेंगे अपनी फ़ोटो पे। तो यहाँ पर ये सही है एंड वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड जो सैचुरेशन है इसको थोड़ा सा कम कर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं बिफोर आफ्टर काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है एंड अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। इसके लिए काम करेंगे हम अपने कलर पर जाएंगे एंड यहाँ से इसका जो ऑरेंज कलर है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे जिससे हमारा फेस थोड़ा ब्राइट हो सके एंड यहाँ से रेड कलर का भी लूमिनियस थोड़ी बढ़ाएंगे एंड डन। एंड बाकी येलो कलर की ह्यू को हम पूरा कम कर देंगे एंड इसका जो लूमिनियस है इसको थोड़ा कम करेंगे एंड ग्रीन की ह्यू पूरी कम कर देंगे एंड इसका जो सैचुरेशन है थोड़ा बढ़ाएंगे एंड बाकी कलर्स का भी सैचुरेशन हम कम कर देंगे, इसका भी कम, उसका कम एंड इसका एंड ग्रीन का थोड़ा हम बढ़ाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ से करते हैं डन एंड अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। इसके लिए क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले इस फोटो को आप लोगों को एंड इसका जो एक्सपोजर है इसको हम थोड़ा सा टेम्प को थोड़ा कम कर देंगे एंड यहाँ से कर देंगे एंड यहाँ से इसको हम कर देंगे एक्सपोर मतलब सेव कर लेंगे एंड फिर से इसे हम लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन करेंगे। तो यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया एंड यहाँ से हमने इसको फिर से लाइट रूम एप्लीकेशन में ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलर पर जाएंगे एंड कलर में क्या करेंगे, हम इसका जो येलो कलर है इसको पूरा कम कर देंगे एंड ग्रीन कलर को पूरा कम कर देंगे एंड इसका जो ऑरेंज कलर है इसके सैचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देंगे एंड कर देंगे इसको डन एंड इसकी यहाँ से वाइब्रेंस थोड़ी बढ़ा देंगे। अब चलते हैं हम इसकी शेडो वगैरह पे, शेडो पे हम इसके हाईलाइट्स पर, इसके हाईलाइट्स को क्या करेंगे, तो इसके सैचुरेशन बढ़ा के हाईलाइट थोड़ा हम ऑरेंज रखेंगे एंड शेडो तो हम ब्लू रखेंगे एंड यहाँ से इसको करते हैं एंड इसका हाईलाइट की जो हम लुमिनस है इसको थोड़ा
कर देंगे एंड इसकी जो बैलेंस है इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे एंड यहाँ से करते हैं डन। तो आप लोग देख सकते हैं बिफोर आफ्टर। एंड अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप में। तो इसके लिए क्या करना है, हमें सेलेक्ट टूल का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से सेलेक्ट टूल पर जाएंगे एंड यहाँ से सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे। उसे सब्जेक्ट इसने सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ से इसको इन्वर्ट कर देंगे एंड यहाँ से इसके कलर पर जाएंगे। कलर का जो टेम्प है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड इसका जो टिंट है इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे। एंड यहाँ से इसकी जाएंगे हम एक्सपोज, तो यहाँ से इसका एक्सपोज थोड़ा कम करेंगे एंड ब्लैक थोड़ा कम करेंगे एंड यहाँ से करते हैं इसे डन। तो इतनी एडिट हो चुकी है एंड अब हमको डालना है इसमें लाइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्टेड टूल पर जाएंगे एंड यहाँ से एक लेंगे लाइनर एंड यहाँ से इसका जो डेप्थ है इसको हम कम कर देंगे एंड यहाँ से इसका एक्सपोजर भी बढ़ा देंगे जिससे इसमें अच्छी लाइट पीछे से लगे एंड यहाँ से इसकी सैचुरेशन बढ़ा देंगे एंड यहाँ से इसका टेम्प भी थोड़ा बढ़ा देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लाइट इसमें आ चुकी है। यहाँ से इसको थोड़ी क्लैरिटी बढ़ाएंगे यहाँ पर यहाँ से करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी लाइट आ चुकी है बिफोर एंड आफ्टर। तो आप लोग भी इस तरह की फ़ोटो एडिट कर सकते हैं एंड आप लोग मेरा प्रीसेट यूज करके भी इस तरह की फ़ोटो एडिट कर सकते हैं।